यशोमति मैया के नंदलाला। सुलक्षणा, ये क्या कर रही हो? ये बीच मार्ग पर ही तो आ गई हूँ मैं। मुझे यही सबके सामने उत्तर चाहिए यशोदा जी। बताओ, अभी बताओ, ये चोरी और मेरी जो इतनी हानि हुई है उसके बारे में क्या करोगी आप? बोलो। सुलक्षणा, देखो हम पता लगा लेंगे, जो भी आवश्यक होगा वो सब कुछ करेंगे। हाँ, किंतु पहले तुम भीतर चलकर शांति से बैठो और हमें बताओ तो सही क्या हुआ है। भाभी, यशोदा भाभी, बहुत ही अनुचित हुआ है मेरे साथ। अब इससे क्या होगा? आज तो सारी सीमा पार कर दी है कान्हा ने। क्यों, तेरे घर भी माखन खाने आया था वो? हाँ, आपको कैसे पता? चल ना भीतर चल, चल अपनी सारी गाथा सुना दे वहाँ। आजा। ये दोनों एक साथ आ गई, अब इस माखन का क्या करें? अब बताओ क्या समस्या है तुम दोनों की? आपके लल्ला ने मेरा माखन चुराया है। पूरा पारंगत है चोरी में। और ये माखन तो ऐसे चुराते है जैसे माखन चुराना कोई कला हो। कला? अच्छा, कैसे? माखन की पूरी पांच पांच मटकियां चट कर गो। और मेरे घर दो दो मटकियां। इतने वर्षों से तो मैंने अपने लल्ला को भूखा रखो है ना, उसे तो मैं माखन देती ना हूँ। ये जो इतना सारा माखन इकट्ठा करके रखो है, ये तो मेरे लिए है। सुलक्षणा, कस्तूरी, कान्हा को यदि माखन खाना होता तो अपने घर में खाता ना, तुम्हारे यहाँ क्यों जाता भला? अच्छा जे बताओ, वो तुम दोनों के यहाँ आया कब था? मंदिर की भोग आरती के समय। कान्हा तो तेरे यहाँ था ना कस्तूरी, तो सुलक्षणा के यहाँ कौन था? और यदि वो तेरे यहाँ था सुलक्षणा, तो फिर तेरे यहाँ कौन था? यशोदा जी, बहुत अच्छी तरह से स्मरण है मुझे, जब मंदिर में भोग आरती चल रही थी और उसी समय। नाना, मुझे अच्छे से स्मरण है, जैसे ही मंदिर की आरती आरंभ हुई थी ना, कान्हा ने मेरे घर में प्रवेश किया था। लाली, तू मुझे असत्य सिद्ध करने का प्रयास मत कर, मेरे घर आया था कान्हा। क्या करे, कहाँ रखी है माखन? इसके साथ पकड़े गए तो फंस जाएंगे। चाची, आप झूठ क्यों बोल रही है? कान्हा मेरे यहाँ आया था। झूठ तू बोल रही है, मैं अंधी ना हूँ। चाची असत्य ना बोलो। कान्हा मेरे घर आया था। मेरे घर आया था? नहीं, मेरे घर आया था। कहीं तो मेरे घर आया था। आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है चाची। बस, कान्हा किसी के घर ना गया था क्योंकि वो यही है अपने दाऊ के साथ। देख लो। आओ। स्वयं देख लो। जब मंदिर की घंटी बजी थी ना, तो हम दोनों इनके साथ ही थे, और जब आरती की घंटी बजी ना, तब हम द्वार बंद करके चली गई। क्यों जीजी? हाँ, और तब भी ये दोनों यहाँ सो रहे थे। सोते हुए कान्हा कितना निर्दोष लग रहा है। हाँ, दृष्टि ना हट रही,
पहले आरोप लगा रही थी, अब दृष्टि लगा रही हूँ। पर ये तो सच्ची में घर है। अब नींद भी तोड़ोगी क्या? हनी को बाल बच गए। पर मैं कैसे मान लूं यशोदा जी, मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और मैंने केवल आंखों से ही नहीं, अपनी पांचों इंद्रियों से कान्हा का अनुभव किया है। मेरा विश्वास करो आप दोनों। हाँ हाँ, मेरा कान्हा तो साक्षात नारायण है ना, यत्र तत्र सर्वत्र। तभी तो वो यहाँ भी था, तेरे यहाँ भी था, और सुलक्षणा जी आपके यहाँ भी था। पर ना ना, ऐसा करो दो चार और गोपियों को बुला लो तुम दोनों, हाँ उनसे भी कहलवा दो कि एक ही समय में कान्हा उनके यहाँ भी था। आह, माखन तुम दोनों के मुंह पे लगो है और माखन चोर मेरे लल्ला को बुला रही हो दोनों। ना ना यशोदा जी, जे माखन तो कान्हा ने ही खिलाया हो मुझे। हाँ, मुझे भी कान्हा ने स्वयं अपनी हाथों से खिलाया था, सच्ची। क्या हुआ कैसे हो ये सब मैं ना जानती यशोदा जी। बाहर इतना कोलाहल क्यों हो रहा है? जैसे सुलक्षणा चाची और कस्तूरी झगड़ा कर रही है। ये क्या है? माखन है दाओ। और ये आया कहाँ से? ये वाला कस्तूरी के घर से और ये वाला सुलक्षणा चाची के घर से। तुम उन दोनों के घर हो भी आए? कोई इतने प्रेम से बोला है तो जानो तो चाहिए ना दाओ। बस इतना जानती हूँ कि आपके कान्हा ने मेरा सारा माखन समाप्त कर दियो। पर बाहर का खुलाल तो कुछ और ही कथा कर रहा है। आप फ्रेम चक्के देख लो, स्वाद से ही पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्रेम है। चुरा के ना लायो दाऊ, पूछ के लायो। विश्वास करो। विश्वास करो यशोदा जी, स्वयं कान्हा ने मेरा माखन खायो और बलराम के लिए भी लेके गो। हाँ, जही तो मुझसे भी कहा था उसने कि दाऊ को खिलानो है, ले जाऊं। अधिक सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। लो ना दाऊ। अच्छा, तो तुम दोनों कहना चाह रही हो कि माखन चुराने के बाद उसने बलराम के लिए भी मांगो? हाँ, अपने हाथ से तुम दोनों को माखन भी खिलाओ और फिर तुमने उसे जाने भी दियो? हाँ, वही तो यशोदा जी, वो पूछ तो इतने प्रेम से है कि मना ही नहीं करा जा तो। हाँ हाँ, और यही बात मैया को समझाते समझाते पूरा दिन और पूरी रात गयो। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया यशोदा, तेरा लल्ला ही आया था मेरे घर माखन चुराने। आज तो सभी आ गए यहाँ। ना दाऊ, सभी ना आए अभी। जानकी छोटी है अभी, जे सोच के मैंने बात को जाने दी तो उसका लाभ उठाओ सावित्री ने। फिर भी मैंने कछु ना कही तो अब तुम सबका साहस इतना बढ़ गया है कि तुम सब आपस में मिल गई। क्या लगता है तुम सबको कि तुम सब मिलकर मेरे फूल से निर्दोष बालक पर आरोप लगाओगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? हाँ, पर आरोप कौन लगा रहा है यशोदा? कान्हा ने सच्ची में माखन चोरी की है। कान्हा ने सच्ची में माखन चोरी की है, तो सिद्ध करो ना। अब किसी ने कान्हा के लिए एक शब्द भी कही ना तो या तो साक्ष्य लेकर आओ या उसे रंगे हाथ पकड़ के लाओ। पर यशोदा जी, अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगा जो साक्ष्य लेकर आए, ना तो अपने आरोप को वापस लो
और अपनी भूल स्वीकार करो। अब किसी की एक भी ना सुनूंगी मैं। हाँ नहीं तो काना अति हो गई है, अब बंद करो ये माखन चोरी का खेल। गोपिया अब साथ नहीं बैठेगी, सब मिलकर कोई ना कोई योजना अवश्य बनाएगी तुम्हारे विरुद्ध। देखो देखो क्या दशा की है। मेरे घर का दृश्य भी कछु भिन्ना है, पूरे घर में माखन बिखरा पड़ो है। ऐसे ही चोरी होती रही तो हम परमानंद जी के साथ व्यापार कैसे करेंगे और धनवान कैसे बनेंगे। पर समस्या तो ये है कि हमारी बात मानने को यशोदा जी तैयार ही ना है। अब उनके लिए साक्ष कहाँ से लाए हम और कैसे। हमें काना को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। जितना आसान लग रहे हो है उतना आसान ना है उसे पकड़ना। जैसे ही मेरे हाथों ने उसके पाँव को छुआ था अचानक ही जाने कहाँ खो गई थी मैं। उसके बाद क्या हो मुझे कछु पतो ही ना चला। ऐसो है वो कन्हैया। अरे बावली नन्ना सा बालक है वो, कोई सिद्ध चमत्कारी साधु महात्मा थोड़ी है। साधु महात्मा को तो पता ना मौसी, पर चमत्कारी अवश्य है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। चिंता मत करो मौसी, दो गुनों से भी अधिक मिलेगो। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। मधु से भी अधिक मीठी बातों के चमत्कार से बहका दिया था मुझे भी उस माधव ने। मेरा अनुभव भी इन सबसे समान ही है मैया। उसके छूते ही सारी सुध बुध भूल गई थी मैं। जाने क्यों अपने ही हाथों से सारा माखन दे दिया था मैंने उस नंद किशोर को। वैसे ये तो सच है कि उसकी मुरली की धुन के सम्मोहन में मैं भी खींची चली गई थी उसके पास। पर तुम सब जो कह रही हो उस पे तो मुझे भी विश्वास ना है, तो यशोदा को कैसे होगो। पर मौसी सत्य तो ये है कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अपने हाथों से माखन खिलाकर मेरा मन भी मोह लिया था उस मनमोहन ने। वैसे माखन खिलाकर मेरा मन भी हर लिया था उसने। ऐसा मनोहर है वो, है वो। तो इन सबके घर गो है वो, बस मेरे यहाँ ही ना आयो। सबके सब किसी एक स्थान पर इकट्ठी हो गई होंगी। हाँ सही कह रहे हो दाऊ, अब गहरा सोच विचार कर रही होंगी। हाँ सही कह रहे हो दाऊ। माखन भले ही चुरा तो है पर चुराते हुए कितना प्यारा लगता है ना। हाँ। ऐसे तो पकड़ लियो इन्होंने उस माखन चोर को। एक ही उद्देश्य होगा उन सबका कि तुम्हारे विरुद्ध ढेर सारे साक्ष्य कैसे इकट्ठे करे। अभी तो ढेर सारे प्रेम भरे नाम इकट्ठे किए उन्होंने मेरे लिए। कन्हैया नंद किशोर माधव मनमोहक और मनोहर ये सब कौन है। ये मेरे नाम है दाऊ, गोपियों ने दिए है मुझे, ये तो संभव ही नहीं है। अभी तो बस एक ही नाम से पुकार रही होंगी वो सब तुम्हें, माखन चोर। देखो तो चिची कैसे निश्चल और निर्दोष लग रहे हैं दोनों, ऐसे जैसे स्वयं नारायण का स्वरूप हो। अरे यशोदा
ये क्या हो गया तुम्हें अचानक? चिची, इतने निर्दोष से फूल जैसे बालकों पर कैसे लांछन लगा रही है सब की सब? इनका हृदय ना कांपता? नारायण का भी बहना है इन्हें। अच्छा बस शांत हो जा, तुम्हें तो पता है ना उनका सामना कैसे करना है। बस अब रो मत। मैं ना रो रही जीजी? मैं क्यों रोने लगी भला? रोए वो जो मेरे लल्ला पर झूठा आरोप लगा रही है। कान्हा, बलराम, उठ जाओ दोनों, उठ जाओ। चलो दूध पी के शक्तिशाली हो जाओ दोनों। लो पल में अग्नि की तपिश, पल में जल की शीतलता, ऐसे अनोखे स्वभाव की है ये यशोदा। गोपियां इससे टकरा कर भूल कर रही हैं। हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। कहां खोई हो तुम सब? उसके भोलेपन में, उसकी मनमोहक मुस्कान में, उसकी सम्मोहक गहरी आंखों में, उसकी मीठी बातों में। खोई तो गोपिया है भैया, लगता है अब मुझे उन्हें जगाना पड़ेगा। तुम सब तो उसके बारे में सोच सोच के जाने कहां खो जाती हो और चली हो उस माखन चोर को पकड़ने। पर कोई ना कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा, कोई ऐसा उपाय जिससे हम उसकी मीठी बातों के जाल में ना फंसे और उसकी मुस्कान से मोहित ना हो जाए। सबसे अधिक संकट तो उसकी आंखों से है। पर ये संभव कैसे होगो? उसे देखते ही हम नारायण नारायण का जाप आरंभ कर देंगे। मन नारायण में रमेंगो तो उसकी माया हमें ठग ना पाएगी। पर अब प्रश्न ये है कि हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे कैसे? हम सबके यहाँ तो वो माखन चोरी कर चुका है, अब किसके यहाँ जाएगा वो माखन चोरी करने? मेरे यहाँ। दूध तो पूरा समाप्त ना किया तूने लल्ला? गौ माता रुष्ट हो जाएंगी। जे तू कहां देख के मुस्कुरा रहे है लल्ला? कभी भूमि पे देख रहे है, कभी द्वार पे देख रहे है। गोप्या इसके विरुद्ध योजना बना रही है ना छोटी माँ, उसी के बारे में सोच रहा होगा। ये क्या किया मैंने? तो तुम दोनों ने हमारी बातें सुन ली? उन गोपियों की चिंता मत करो तुम दोनों, उन्हें तो मैं संभाल लूंगी। ना मैया, हम बड़े भी तो हो रहे हैं, हमारी समस्या हम स्वयं संभाल लेंगे, है ना दाऊ? हाँ छोटी माँ, हम दोनों इतने बड़े तो हो भी गए कि अपनी समस्या स्वयं सुलझा सके। आप दोनों हंस क्यों रहे हो? हंसने की बात नहीं है, हम सच्ची में बड़े हो गए। हाँ, बड़े तो तुम हो ही गए हो। जे पकी पकी मूछें जो निकल आई है तुम दोनों की, हीम जैसी श्वेत। तुम दोनों चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हमारे लिए हमारे लल्ला ही रहोगे, समझ आई?
तो जशोदा जी की पक्की सखी हो, फिर तुम हमारी सहायता क्यों करोगी? क्योंकि मुझे पता है कि कान्हा निर्दोष ना है। मैंने स्वयं देखा है उसे कस्तूरी के घर से माखन लेके जाते हैं। सुन लियो भाभी, और अब मुझे झूठा बोल रही थी? जे आपस में झगड़ने का समय ना है लाली, उसके विरुद्ध इकट्ठा होने का है। पर अगली चोरी प्रभावती की यहाँ होगी, जे पक्का कैसे करे? एक उपाय है, उससे कान्हा प्रभावती चाची के घर पक्का आ जावेगो। सच्ची? मेरे कहने का अर्थ है कि वो आएगो? ये तुझे कैसे पता? हाँ ऐसे पता है ये मत ही पूछो, पर आपको उसे लुभाना होगो। किसी तरह उसे पता चलना चाहिए कि आप कौन से समय घर पे ना रहोगी, और जे भी कि वहाँ बहुत सारा माखन रखो है, बस फिर अपने आप जाल में फंस जावेगो। हे नारायण, कस्तूरी का उपाय सफल कर देना, मैं भी वही अनुभव करना चाहती हूँ जो इन सब ने अनुभव किया है। बस तो फिर तू उसे अपने घर बुलाने की तैयारी कर प्रभावती, और हम सब लोग वहाँ छुप कर बैठ जाएंगे। फिर जैसे ही वो वहाँ आएगो, हम सब उसे चारों ओर से घेर लेंगे और रंगे हाथों पकड़कर जशोदा जी के घर लेकर जाएंगे उसे। आपके लल्ला ने मेरा माखन चुराया है, पूरा पारंगत है चोरी में, और जे माखन तो ऐसे चुराता है जैसे माखन चुराना कोई कला हो कला। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया जशोदा, तेरा लल्ला ही आया था मेरे घर माखन चुराने। संसार के कपट से अनभिज्ञ है मेरा लल्ला, भोला भाला है, ऐसे निर्दोष पर आरोप लगाते इन्हें तनिक भी लज्जा ना आती?